खबर है बलिया से। जिले के रेसा में नव निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल ने ठाकुरबाड़ी स्थित अपने आवास पर नव निर्वाचित सभासदों को स्वागत कर विकास का खाका तय किया। ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद शपथ मिलने के पूर्व ही नगर पालिका अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल ने नव निर्वाचित सभासदों को माल्यार्पण कर डायरी पिन देकर स्वागत किया। इस दौरान विनय शंकर जायसवाल ने कहा कि नगर के सर्वांगीण विकास में आप सभी आपसी मतभेद भूल कर मिलजुल कर रसना दुका विकास उत्तर प्रदेश में अव्वल लाने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आरिफ अहमद अंसारी। आज जो आप नव निर्वाचित सभासदों को आप बुलाए और सम्मानित किए हैं, किस लिए? इसलिए कि रसड़ा की जनता, नगर अध्यक्ष का पद मुझे मिल चुका है और एक खांचा बनाया जा रहा है कि रसड़ा नगर पालिका का कैसे विकास किया जाए और कैसे सारी समस्याओं को दूर किया जाए। इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैंने नगर के हर सभासद को इस बात को मैंने अपने आवास पे बुलाया था कि इस नगर को कैसे विकास किया जाए, इस नगर को कैसे सुंदर किया जाए। आगे लक्ष्य यही है कि हर 2500 वार्ड में जाकर मुझे पुनः देखना है कि कौन सा ऐसा कार्य की जो आवश्यकता है उस कार्य को खर्च करना है और हमारी माताएं महिला जो भी है हमारे बड़ा विश्वास है तो मुझे वोट देकर यहाँ तक नगर अध्यक्ष तक मुझे पहुँचाई है। उनकी सारे चीज़ों को देखकर उनकी समस्याओं को दूर करना है। हर एक महीने के अंदर एक हम हर वार्डों में कैंप लगाएंगे, उनकी समस्या को सुनी जाएगी और जो भी होगा निदान वहीं पे किया जाएगा, जो निदान नहीं होने जो होगा उसको समझ लेकर। लेकिन सबसे पहले मैं 2500 वार्ड के नवनिर्वाचित सभासद को मैं इसलिए बुलाया था कि एक खाका खींच के इस शहर को ऐसा विकास किया जाए कि लोगों को लगे कि नहीं, हमने जिसको भी इस कार्यकाल को दिया है संवारने के लिए उस नगर में लगे कि नहीं, हमने सही किया है और विकास के कार्य दिखाई। अंत में जनता के संदेश यही है कि मुझे बहुत स्नेह मिला है, प्यार मिला है और उनके विश्वास को मुझे उतरना है और मान सम्मान उनको देना है, विकास को करना है।